नमस्कार, मैं हूं अवंतिका यादव और आप देख रहे हैं हरियाणा हलचल। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर इस वक्त मोहाली से है, जहां पर पंजाबी सिंगर और मॉडल परमीश वर्मा पर हमला किया गया है। और साथ ही परमीश वर्मा के ऊपर मोहाली के सेक्टर 91 में कुछ व्यक्तियों ने हथियारों के साथ में हमला किया, और साथ ही यहाँ पर परमीश के घुटने में गोली लगी है। और परमीश को अभी फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहाँ पर इलाज जारी है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि परमीश पर हुए इस हमले की जिम्मेदारी गैंगस्टर दिलप्रीत सिंह ने ली है। दिलप्रीत सिंह नाम के युवक ने इसकी जिम्मेदारी ली है। और साथ ही आपको बता दें कि दिलप्रीत ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर कहा, हमने किया है हमला। दिलप्रीत सिंह ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, जो पंजाबी गायक और मॉडल परमीश वर्मा के ऊपर हुआ है। तो आपको बता दें कि पंजाबी गायक और मॉडल परमीश वर्मा के ऊपर मोहाली के सेक्टर 91 में कुछ व्यक्तियों ने हमला किया। परमीश के घुटने में चोट लगी है, गोली लगी है, और साथ ही यहां पर परमीश को अब फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर आपको बता दें कि इसके बाद में पुलिस अब इस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। परमीश के ऊपर हुए इस हमले की जिम्मेदारी गैंगस्टर दिलप्रीत सिंह ने ली है। फेसबुक पोस्ट के जरिए कहा कि हमने किया है हमला। दिलप्रीत सिंह ने इसकी जिम्मेदारी ली है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दिलप्रीत सिंह नाम के इस युवक ने पहले भी चंडीगढ़ के सेक्टर 39 में गुरुद्वारे के सामने होशियारपुर के सरपंच की सरेआम बेरहमी से हत्या की थी, और उसके बाद में अब परमीश के ऊपर भी जानलेवा हमला किया, जिसकी जिम्मेदारी फेसबुक पोस्ट के जरिए दिलप्रीत सिंह ने ली है। फेसबुक पोस्ट पर डालकर कहा है कि हमने किया है हमला। और साथ ही आपको बता दें कि सेक्टर 91 का ये पूरा मामला है, मोहाली के सेक्टर 91 में हमला किया गया है परमीश के ऊपर, और साथ ही ये परमीश के घुटने में गोली लगी है, जिसके बाद में अभी परमीश को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, फोर्टिस अस्पताल में। तो फेसबुक पोस्ट के जरिए दिलप्रीत सिंह ने हमले की जिम्मेदारी दी है। आपको बता दें कि परमीश वर्मा, जो कि उनके कई गाने हैं जो काफी पॉपुलर हुए, काफी हिट रहे, और अब परमीश के ऊपर ये हमला किया गया है, जानलेवा हमला किया गया है। और हमारे साथ इस वक्त जितेंद्र सबरवाल मोहाली से संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ज्यादा जानकारी खबर पर। देखिए वंतिका जी, देर रात परमीश वर्मा, जो कि पंजाबी एक्टर, गायक और मॉडल भी है, ये चंडीगढ़ की तरफ से सेक्टर 91 की तरफ अपने घर की तरफ जा रहे थे, तो इनकी तरफ एक I-20 कार थी, कोई उसमें कोई युवक थे इनको चेज करते हुए, और पीछे पीछे इनके आ रहे थे। और जब ये 91 सेक्टर में पहुंचे, इन्होंने रोक करके जो गायक सिंगर परमीश वर्मा है उनके ऊपर फायर कर दी, जिसको लेके परमीश वर्मा के घुटने के ऊपर एक गोली लगी है, और इनको जो इनके साथी थे वो तुरंत उठा के फोर्टिस हॉस्पिटल में ले आए हैं, और इनको वहां पर एडमिट कराया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इनके ऊपर जिस युवक ने गोलियां चलाई हैं, जिन्होंने पोस्ट डाली है, उनका नाम दिलप्रीत सिंह है, और ये वही दिलप्रीत सिंह है जिसने आज से एक साल पहले सेक्टर 39 के गुरुद्वारा संसर साहब में हशियारपुर के एक सरपंच है, उनकी शरेआम बेरहमी के साथ अपने एक साथी है रिंदा नाम के अपने साथी के साथ मिलकर उनकी शरेआम गोलियां मार के हत्या कर दी थी, और जिसका एक वीडियो भी किसी तरह गिर ने बनाया था, और काफी दर्दनाक वीडियो था। और जो तब से जो पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस से मोस्ट वांटेड चला आ रहा है, और इसकी गिरफ्तारियों के लिए छापेमारी भी की जा रही है, पर अभी तक ये गिरफ्तार नहीं हो पाया। और बड़ी बात ये है कि देखने वाली की जो इन्होंने गोली मारने के बाद एक फेसबुक के ऊपर एक वंदिका जी, जिन्होंने जो पोस्ट किया था, उसमें इसमें जो देखा जाए तो इनकी ना कोई आपस में पहले से कोई आपस में कुछ झड़प चलती आ रही है, एक दूसरे को लेके कोई इनकी बातचीत भी चलती आ रही है, जिससे अब जब पोस्ट पढ़ी जा रही है उसमें साफ दर्शक पढ़ सकते हैं कि इनमें आपस में कोई पुरानी दशल है, हो सकता है कि पुराना झगड़ा है, और ये साफ उससे बोल रहा है कि इस बार तो बच गया, अगली बार तो नहीं बचेगा, तो जहाँ भागना है भाग ले। इससे ये प्रतीत होता है कि ये इनकी दुश्मनी कोई आज की नहीं है, कोई बहुत पुरानी चली आ रही है, और इनका जो है देर रात टाकरा हो गया, और इन्होंने एक दूसरे के ऊपर हमला, जो जिसने भी जो मिला हथियार, और दिलप्रीत ने इसके ऊपर हथियारों से फायरिंग कर दी। जतिन, क्या यहाँ पर जान लेने के मकसद से हमला किया गया था, या महज डराना जो है वो मकसद था, इसलिए घुटने पर गोली मारकर छोड़ दिया गया? देखिए, देखा जाए
ये नहीं कह सकते कि उसको जान से मारने की नीयत से हमला कर किया गया था कि जहां उसको घायल करने के, पर जो फेसबुक के ऊपर पोस्ट है उसके द्वारा तो यही प्रतीत होता है कि उसका दिलप्रीत सिंह जो गैंगस्टर है उसका यही कहना है कि मैंने तो तेरे को एक सबक सिखाना था, पर हो सकता है कि इसके पीछे कोई पैसों की मांग हो, जहाँ कोई आपसी को दुश्मनी हो, जहाँ वो इसको ये संदेश देना चाहता हो कि तो आप जो गाने गा रहे हैं कि वो पारिवारिक माहौल में बैठ के सुनने के लायक नहीं है। इसका कोई कारण है होगा जो मोहाली कह सकती है। अपना कुलदीप सिंह चहल, उनसे हमारी बातचीत चल रही है, वो कह रहे हैं कि हमने जो मामले की जो जाँच है वो हम इधर तय कर रहे हैं और पूरा मामले का एक एक जो रोल है, मामले के एक एक जो एंगल है उसको खंगाला जा रहा है कि क्या कर रहा होगा, क्यों उसके ऊपर हमला किया गया है। क्योंकि अभी तो पहले फोर्टिस हॉस्पिटल में उनके जो टांग में गोली लगी है परमीश वर्मा के, पहले उसका ऑपरेशन वगैरह जो भी फर्स्ट एड वगैरह वहां पर जो हो रहा है, उसके बाद ही उसके जो बयान होंगे, बयान होने के बाद ही पता लग पाएगा कि इसके पीछे क्या कारण रहा, क्या इनकी कोई दुश्मनी है, क्या जो सिंगर है जिसका नाम प्रवीश वर्मा है कि वो भी कहीं इन गैंगस्टरों के साथ शामिल है, कि कहीं वो भी गैंगस्टर के साथी रह चुका है। क्योंकि ऐसे किसी सिंगर के ऊपर कोई हमला नहीं किया जा सकता है, जिसमें तो साफ ही कहा जा सकता है या तो ये फरोती का मामला है या इनकी निजी दुश्मनी का मामला है। गैंगस्टर दिलप्रीत ने जो फेसबुक पर पोस्ट किया है, क्या उसके जरिए उसने कोई जानकारी दी हो किस वजह से जो है परमीश के ऊपर ये हमला किया गया, क्यों आखिर वो परमीश की जो है जान लेना चाहते थे, क्यों परमीश के ऊपर हमला करवाया गया? जी अवंतिका जी, मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि जो पेज है, पेज के ऊपर उसने शरेआम दो फोटो पोस्ट की है। एक पिक्चर में वो अपने हाथ में पिस्टल लिए बैठा हुआ है और दूसरे में प्रवीश वर्मा की फोटो लगाकर उसके ऊपर रेड कलर से क्रॉस का निशान लगाया, जो गैंगस्टर अक्सर किसी की अगर अपना गोली मार के हत्या करनी होती है और उसकी जो पोस्ट है वो जो ऊपर डाल करके पेज के ऊपर, उसके ऊपर रेड कलर से क्रॉस लगा देते, इसका मतलब है एंड भी हमने इसको मार दिया। और उसी हिसाब से हमें ये लगता है कि आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ इस वक्त कुलदीप चहल एसएसपी जुड़ गए हैं मोहाली से, स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। हेलो जी चहल साहब, परमीश वर्मा जो कि पंजाबी गायक हैं, मॉडल हैं, उनके ऊपर हमला किया गया है मोहाली के सेक्टर 91 में, अभी तक पुलिस की छानबीन में क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? हमने कल रात ही इसमें ना केस रजिस्टर कर लिया था और इसमें हमने कुछ बंदों को आइडेंटिफाई किया है, तो फर्दर जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है इसके ऊपर। क्या कुछ जो है एंगल निकल कर सामने आ रहा है, क्या कोई आपसी रंजिश थी या फिर गैंगस्टर जो दिलप्रीत सिंह जिसने जिम्मेदारी ली है, क्यों जो है वो उसकी ओर से हमला करवाया गया, इसको ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद ही इसमें कुछ कहा जा सकता है। क्या दिलप्रीत सिंह को जिसने गैंगस्टर ने जिम्मेदारी ली है इस हमले की, उसको भी उसकी भी धरपकड़ की कोशिश पुलिस की ओर से की जाएगी? डेफिनेटली वो तो कर ही रहेगी, बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाए। तो कब तक जो है आश्वासन ये आप दे रहे हैं कि कब तक पुलिस उस तक पहुंच पाएगी दिलप्रीत सिंह, क्योंकि इससे पहले भी उसने सेक्टर 39 में गुरुद्वारे के सामने एक सरपंच की हत्या की थी? चलिए सवालों से जो है यहाँ पर सवालों का जवाब न देते हुए फोन उन्होंने काट दिया है। एसएसपी मोहाली हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अब सब्रवाल, अब जिस तरह से एसएसपी को आपने सुना, एसएसपी ने कहा कि दिलप्रीत सिंह की भी गिरफ्तारी की कोशिश की जाएगी, लेकिन इससे पहले भी सवाल ये कि सेक्टर 39 में जब गुरुद्वारे के सामने भी उन्होंने एक सरपंच की बेरहमी से हत्या की, उसके बावजूद अभी तक भी वो जो गैंगस्टर है वो हिरासत में नहीं है? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मामला था ये काफी पेचीदा था और पुलिस के, चंडीगढ़ पुलिस के गले की हड्डी बनी हुई है। और जो पंजाब में गैंगस्टर जो गैंगवार जो थी, जो गैंगलैंड बोलते हैं, जो एक मामला उभर के आया था जिसको लेके कैप्टन सरकार के नाक की गले की हड्डी बनी हुई थी, जिसको लेके अभी पीछे काफी गैंगस्टरों का इनकाउंटर भी हुआ है और कुछ पुलिस ने अरेस्ट भी किए थे। पर ये दो जो गैंगस्टर हैं, एक रिंदा और दिलप्रीत, ये काफी खतरनाक गैंगस्टर माने जाते हैं, ये अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुलदीप सिंह चहल एसएसपी मोहाली जो है ये बहुत ही एक्सपर्ट अधिकारी है, इन्होंने पंजाब में काफी बड़े बड़े गैंगस्टरों का खात्मा किया है और ये एक्सपर्ट माने जाते हैं और इनके द्वारा एक अलग से रणनीति चलाई जा रही है। हमारी थोड़ी देर पहले एक बात भी हुई थी, उनका ये कहना है कि हम किसी न किसी तरीके से हमें कोई क्लू मिल चुके हैं और हो सकता है कि हम इनके
जल्दी इनके पास पहुंच जाए और जल्दी ये हमारी पकड़ में हो। और कुलदीप सिंह चाहल जो है उन्होंने अपनी टीमें बना दी हैं, अलग अलग टीमों को अलर्ट कर दिया है जी। और टेलीफोनिक जो प्रवीण वर्मा को जो इनको कोई कॉलिंग आती हो या इनको कोई मैसेज आता हो, एक एक एंगल के साथ इसको खंगाला जा रहा है और जल्दी ही मामले को हल करने की आशंका है। जी वंशज जी, इसके अलावा जितेंद्र परमीश की हालत जो है वो किस तरह की फिलहाल बताई जा रही है, क्योंकि फोर्टिस अस्पताल में इलाज उनका चल रहा है, तो कब तक जो है अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिल पाएगी? देखिए, हमें अभी जब हॉस्पिटल में गए थे, हमें अंदर जाने से मीडिया को, मतलब हमें नहीं मीडिया को अंदर जाने से पूरे मना किया हुआ है और गेट के बाहर ही सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया था। एक डॉक्टर हमारे पास आया, हमने डॉक्टर से पूछा भी हालात क्या है, उनका ये कहना कि जो ऑर्थो वाले डॉक्टर होते हैं, जो सर्जन है ऑर्थोपेडिक से सर्जन और जनरल सर्जन मिलके गोली को निकालने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है गोली उसकी जांघ में या घुटने में कहां लगी है ये पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर उसकी सर्जरी की जाएगी। हालत क्रिटिकल ऐसे मानी जाती है कि अगर तो हड्डी के अंदर, डॉक्टर को ये कहना कि हड्डी के अंदर गोली चली गई हो तो उसको निकालने के लिए काफी वक्त लग सकता है। अगर गोली छू के निकली हो तो फिर बार बार से उसके ऊपर जो स्टिचिंग होती है टांके लगा के उनको डिस्चार्ज किया जा सकता है। पर जो हमें अंदर से सूत्र मिल जानकारी मिली है कि जो जो हमला करने के बाद जो गोली लगी है वो काफी अंदर तक धसी हुई है, बाकी आने वाला समय बताएगा। जो ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर बाद में हमारे से बात करेंगे, सर्जरी होगी फिर उनकी क्या हालत है कि वो चल भी पाएंगे, फिर जहाँ कोई रॉड प्लेट वगैरह कोई चीज का सहारा लेना पड़ता है, फिर जहाँ कैसे ये ट्रीटमेंट होता है। जी वंदना जी, चलिए बहुत शुक्रिया जितेंद्र सब्रवाल तमाम जानकारी के लिए। तो परमेश के घुटने पर गोली लगी है, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट जो है वो उन्हें दिया जा रहा है और साथ ही डॉक्टर्स जो है वो उनका इलाज चल रहे हैं। फोर्टिस अस्पताल में मोहाली के में उन्हें भर्ती कराया गया है।